वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जो है वो नीट की बात करें यूजी 2021 के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, अभी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो हो चुकी थी। उसके बाद कुछ सीट्स वैकेंट रह गई थी, जिसके लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए डेट्स आ चुकी हैं। 8 मार्च से लेकर जो है ऑनवर्ड जो है वो रैंक वाइज जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। कुछ ही सीट्स होंगी वैकेंट, क्योंकि उतनी ज़्यादा सीट्स तो वैकेंट कौन यार एमबीबीएस मिले और छोड़ छोड़ सकता है कोई, मतलब बहुत रेयर केसेस हैं ऐसे। तो कुछ एक सीट्स वो भी मेरे ख्याल से कुछ एसकॉम में होंगी वैकेंट, तो एमबीबीएस बीडीएस के लिए, और बीडीएस की सीट्स कुछ वैकेंट होंगी, तो उसके लिए काउंसलिंग जो है सेकेंड राउंड कंडक्ट होने जा रही है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको कॉलेज मतलब अलाट हो चुके हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को अलाट हुए बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किए वो नहीं कर सकते इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जा सकते हैं 8 मार्च से जो आगे। उसके बाद जो है भोपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मतलब नोटिस को आप अच्छे से देख सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत होगा। आपको फिजिकली जाना है भोपी ऑफिस में, यानी कि जो आपका भोपी ऑफिस जम्मू में है, जो बाहू प्लाजा में है, और जो श्रीनगर में है, ठीक है ना। तो जमजम कुछ ऐसे पता नहीं अपोजिट कौन से जेके बैंक या कुछ ऐसा कुछ है, मैं एग्जैक्ट उसका लोकेशन भी मैंने पहले को एक वीडियो बनाई थी उसमें बताई है, तो उससे आप जा सकते हैं। जिसको नहीं पता है एड्रेस, तो फिजिकली जाना है और जाकर आप पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर पहली बार ना अगर आप ये पार्टिसिपेट करने लगे हैं इस काउंसलिंग में, तो आपको फ़ी देनी होगी 1500, ठीक है ना। बाकी जो जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन नहीं हुई एमबीबीएस बीडीएस में, वो अगर अगर आपकी चॉइस है तो आप दूसरे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे बीयूएमएस, बीएएमएस या बीबीटी कोर्सेज हैं, उनके लिए भी काउंसलिंग होगी इसके बाद ही, ठीक है। तो जिसको आयुष कोर्सेज कहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत जल्द जो है वो काउंसलिंग होगी, नोटिस आएगा, हम भी वीडियो बना देंगे। वैसे आप भी जो है वेबसाइट से जुड़े रहिए ताकि आपको पता चल जाए। सीट्स का पता करना है तो भोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, बताया गया है कितनी सीट्स हैं बीयूएमएस बीएएमएस के लिए, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन है बीएएमएस, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एमबीबीएस के अलावा। बीडीएस की पिछले 15 साल से पोस्ट नहीं आ रही, तो प्राइवेट तो आप कर सकते हैं। अगर बीडीएस कोर्स करते हैं तो प्राइवेट, उसमें बाद में आप अपनी जो मतलब प्राइवेट मतलब कि अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कहीं पर आप क्लिनिक खोल लें तो वैसे आपका सिस्टम जो है वो चल सकता है। बाकी एमबीबीएस का कंप्लीट हो जाएगा, बीयूएमएस बीएएमएस के लिए जो है काउंसलिंग वो होगी। बाकी वो कैंडिडेट्स जिनकी सिलेक्शन इस बार नहीं हुई है, तो अगर आप करना चाहते हैं इस कोर्स में आगे मतलब कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। सो गुड लक, गुड बाय।